हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका हमारे YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जाने अतिथि शिक्षकों द्वारा सरकार को दी गई चेतावनी कि अब लोकसभा चुनाव देश में होने वाले हैं, अगर नियमित नहीं करोगे तो हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नामांकन की डेट नज़दीक आ रही है, यह अच्छा रास्ता है नियमित करवाने का। तो अतिथि शिक्षक अब तैयार हो गए हैं कि वे भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जान लेते हैं पूरी खबर। 26 मार्च 2019 का अपडेट है। यदि आपको अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए YouTube चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। लोकसभा चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है और संभव भी है। आप निर्दलीय भी लग सकते हैं, अच्छी पहल है अपने नियमितीकरण करवाने के लिए। मांगे नहीं मानी तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अतिथि शिक्षक। नौकरी बहाली की मांग को लेकर पिछले 24 दिनों से धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों ने रविवार को पंत मार्ग स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर धरना जारी रखा। अतिथि शिक्षकों ने दिल्ली और केंद्र सरकार को चेताया कि अगर 2-3 दिनों में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे लोकसभा चुनाव में 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और यह एक प्रदेश की बात नहीं है, सभी प्रदेशों में यही हाल है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं पर भी हो। अभी 2 राज्यों में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है, एक तो हरियाणा और एक कोई दूसरा राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश तथा नई दिल्ली में इसी प्रकार से काम हो रहे हैं। इसलिए अतिथि शिक्षक ने ऐलान किया है कि यदि आपने हमें नियमित नहीं किया तो हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और यह संभव भी है। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के सदस्य शोएब राणा ने कहा कि 24 दिनों से अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के धैर्य को टूटने का इंतजार कर रही है। अगर अतिथि शिक्षकों को नौकरी की बहाली अगले 2 या 3 दिनों में नहीं की गई तो अतिथि शिक्षक 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 7 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, यह मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, पैसा खर्च नहीं होगा। आप निर्दलीय चुनाव लड़ें, कम से कम प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा अतिथि शिक्षक हैं, सरकार को चेताने का यह अच्छा रास्ता है, आप यह काम कर सकते हैं, यह संभव भी है। चुनाव मैदान में उतरें और निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ें, सरकार के नाक में दम करने का अच्छा कार्य होगा और यह संभव भी होगा। तो इस प्रकार से एक सुझाव है, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, आपके लिए भी यह सुझाव अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए नामांकन की डेट आने से पहले आप इस प्रकार से सोशल मीडिया पे हल्ला बोल कर सकते हैं, इसी कारण हो सकता है आपका नियमितीकरण हो सके। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।